आज भी सत्ता की खबरों का मेन्यू बहुत मसालेदार है। आज हम आपको राहुल गांधी के चाय बिस्कुट और सूत्रों वाले उस दावे के बारे में बताएंगे जिस पर सत्ता का जबरदस्त कलेश छिड़ा हुआ है। एक छोटी कुंजी राज्यसभा के बच्चन संवाद पर भी आधारित है। लेकिन आज हम सत्ता की शुरुआत देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबर से करने जा रहे हैं। ये खबर उस पेरिस ओलंपिक से आई है जो अव्यवस्था और अराजकता का ओलंपिक बनता जा रहा है। कल इसी ओलंपिक में एक ऐसा बॉक्सिंग मैच हुआ जो सिर्फ 46 सेकंड में खत्म हो गया और इसमें एक महिला बॉक्सर ने सिर्फ दो घूंसों में हाथ खड़े कर दिए। लेकिन असली खबर ये नहीं है, खबर ये है कि क्या एक महिला बॉक्सर के खिलाफ ओलंपिक में पुरुष बॉक्सर को उतारा गया, क्या एक पुरुष बॉक्सर ने बॉक्सिंग रिंग में उतरकर एक महिला मुक्केबाज को घूंसे मारे, बॉक्सिंग का एक रोमांचक मुकाबला कैसे सिर्फ दो पंच में ही खत्म हो गया और क्यों एक महिला बॉक्सर ने पूरा मैच खेलने से ही मना कर दिया। गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में जो कुछ हुआ है उसे देखने और सुनने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग ओलंपिक कमेटी को कोस रहा है, उसकी नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। फिर चाहे वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मलोनी हो या फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा भी एलन मस्क और भारत के हरभजन सिंह जैसे कई सितारे ओलंपिक में हुई इस घटना को लेकर हैरान और परेशान हैं। लेकिन ओलंपिक में कल ऐसा क्या हुआ ये समझने के लिए हम आपको बॉक्सिंग में 66 किलोग्राम के एक राउंड ऑफ मैच का वीडियो दिखाते हैं जो इटली की एंजेला केरिनी और अल्जीरिया की इमान खलीफ के बीच हुआ और इसमें आप देख सकते हैं कैसे ईमान ने एंजेला के मुंह पर एक ऐसा मुक्का मारा जिससे वो गिर गई, उनकी नाक से खून बहने लगा और फिर रोते हुए उन्होंने इस मैच को खेलने से ही मना कर दिया। ये मुकाबला सिर्फ दो पंच और 46 सेकंड में ही खत्म हो गया क्योंकि एंजेला केरिनी इस मैच से पीछे हट गई। ओलंपिक जैसे मैच पर चूंकि मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं होते इसलिए सब हैरान रह गए। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिला बॉक्सर एंजेला केरिनी के विरोध में एक महिला नहीं बल्कि पुरुष बॉक्सर को उतारा गया और उनका नाम है ईमान खलीफ। अब आपको 46 सेकंड का वो ड्रामा बताते हैं जो ओलंपिक के बॉक्सिंग रिंग में हुआ, लेकिन विवादों वाले पंच पूरी दुनिया ने महसूस किए। मैच की शुरुआत हुई तो इटली की एंजेला केरिनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ अपने आमने सामने आए। मैच शुरू होते ही ईमान खलीफ ने एंजेला को पहला घूंसा मारा। घूंसा लगने के बाद ही एंजेला अपना हेडगियर ठीक करने कोच के पास गई। दोबारा मुकाबला शुरू होने पर खलीफ ने एंजेला को दूसरा मुक्का मारा, लेकिन नाक पर यह मुक्का पड़ने की बजाय एंजेला ने तुरंत मैच से हटने का ही इशारा कर दिया। इसके बाद एंजेला केरिनी ने ईमान खलीफ के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। फिर यह भी देखा गया कि ईमान खलीफ के पंच से एंजेला की नाक से खून निकलने लगा क्योंकि एंजेला ने मैच खेलने से इनकार किया, इसलिए रिंग में मौजूद रेफरी ने खलीफ को विजेता बता दिया और उसी दौरान एंजेला ने कहा कि यह सही नहीं है। इस फैसले से नाराज एंजेला केरिनी ने ईमान खलीफ के साथ हाथ भी नहीं मिलाया और अपने साथ हुई इस नाइंसाफी पर एंजेला केरिनी रिंग में ही रोने लगी क्योंकि एंजेला को पहले ही पंच में यह महसूस हुआ कि जिस मुक्केबाज से वो लड़ रही हैं वो महिला नहीं है और एंजेला ने यह भी कहा कि वो पिछले कई वर्षों से बॉक्सिंग कर रही हैं लेकिन इतना तगड़ा पंच कभी किसी ने उन्हें नहीं मारा था। इसके अलावा इस पूरी खबर में विवाद की वजह है 25 साल की बॉक्सर ईमान खलीफ जो अल्जीरिया से हैं और ईमान को लेकर दावा है कि वो महिला बॉक्सर नहीं बल्कि पुरुष बॉक्सर है और इसकी वजह क्या है इस पर भी गौर करिएगा। ईमान खलीफ वो बॉक्सर हैं जिनके जेंडर को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। वर्ष 2023 में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें डिसक्वालीफाई भी किया जा चुका है क्योंकि उस वक्त ईमान खलीफ जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मेडिकल टेस्ट में ईमान खलीफ का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई पाया गया था। ईमान का टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा था जो आम तौर पर पुरुषों में होता है। आपको बता दें टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोनल है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में होता है, लेकिन पुरुषों में इसका स्तर महिलाओं से 20 गुना ज्यादा होता है। कुछ वैसा ही स्तर अब ईमान खलीफ में मिला था जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन इस वर्ष ओलंपिक कमेटी ने ईमान खलीफ को बतौर महिला बॉक्सर शामिल किया है और यही वजह है
कि उन्हें इटली की महिला बॉक्सर एंजेलिना केरिनी के खिलाफ उतारा गया, लेकिन ये मैच सिर्फ 2 मुक्के और 46 सेकंड में ही खत्म हो गया। अब इस मैच को लेकर दुनिया की नामी गिरामी हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं और ओलंपिक कमेटी पर सवाल भी उठा रही हैं। इसमें खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मलोनी हैं, जिन्होंने इस घटना के बाद बॉक्सर एंजेला के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और लिखा, मेरे हिसाब से इसमें बराबरी के आधार की कोई बात नहीं थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिखा, मैं महिलाओं के खेल से पुरुषों को हमेशा दूर रखना चाहूंगा। इसके बाद टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने भी एक ऐसे एक्स पोस्ट का समर्थन किया जिसमें लिखा था, महिलाओं के खेल में पुरुष को खेलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में भी इस घटना पर कई लोगों ने हैरानी जाहिर की। इनमें भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हैं, जिन्होंने लिखा, मेरे विचार से ये अनुचित है और ओलंपिक में इस घटना का रिव्यू होना चाहिए। जबकि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा, खलीफ ने केरिनी को रिंग में ऐसे मारा जैसे कोई पुरुष महिला को शारीरिक शोषण के दौरान मारता है। यानी सभी ने मिलकर ईमान खलीफ के जरिए पेरिस ओलंपिक और आयोजन समिति के ईमान पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि एक महिला के खिलाफ पुरुष बॉक्सर को खिलाना तर्कसंगत नहीं है। लेकिन इस बार जो ओलंपिक पेरिस में खेला जा रहा है, इसे आप 128 वर्षों के इतिहास का सबसे अव्यवस्थित और अराजक ओलंपिक भी कह सकते हैं। और इसकी वजह सिर्फ कल का मुकाबला नहीं है, इससे पहले भी इस ओलंपिक में कई विवाद हो चुके हैं। जैसे इस ओलंपिक में खराब खाने को लेकर कई देश के खिलाड़ी शिकायत कर चुके हैं और नाराज हैं। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल भी पेरिस में किसी इंडियन रेस्टोरेंट से मंगवा कर दाल रोटी खा रहे हैं, जबकि खराब खाने की वजह से ब्रिटेन की टीम ने तो अपना शेफ तक बुला लिया है। इस ओलंपिक में चोरी की गई की घटनाएं भी हो चुकी हैं, जैसे जापान के खिलाड़ी के रूम से उनकी शादी की अंगूठी चोरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के कोच ने अपना क्रेडिट कार्ड चोरी किए जाने की शिकायत की, जबकि कुछ दिन पहले अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के लॉकर रूम से भी चोरी हो चुकी है। इसके अलावा ना तो ओलंपिक विलेज के कमरों में एसी है, ना ही उन बसों में एसी है जो खिलाड़ियों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं। इसी वजह से दक्षिण कोरिया के तैराकों ने ओलंपिक विलेज से चेकआउट कर दिया, क्योंकि कमरों में एसी ना होने की वजह से खिलाड़ी ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में बदइंतजामी का आलम यह है कि अमेरिका के टेनिस खिलाड़ियों की शिकायत है, जिनके अनुसार 10 लड़कियों पर सिर्फ 2 बाथरूम मौजूद हैं। इसी वजह से कई खिलाड़ी ओलंपिक विलेज से होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी इस आयोजन के लिए पेरिस को अव्यवस्था के लिए भी एक गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। सोचिए, अगर इस तरह का कोई असफल आयोजन भारत या किसी दूसरे एशियाई देश में होता तो कैसे फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देश बदइंतजामी की मसालेदार हेडलाइन बनाकर लंबे चौड़े आर्टिकल लिखते। लेकिन सच ये है कि उन्हें पहले अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है।